बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ग़ुलाम दस्तगीर और आप देख रहे हैं दस्तगीर टेक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू स्टिकर के बारे में। अक्सर औक़ात आप न्यूज़ चैनल के नीचे देखते हैं एक पट्टी सी चल रही होती है उर्दू या इंग्लिश ज़बान में, तो आज हम वो न्यूज़ स्टिकर कैमटेशिया में चलाएंगे, किस तरह बनाते हैं आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक डेमो दिखा देता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, ये वीडियो ये देखें, ये न्यूज़ स्टिकर चल रही है। खबरें, इंटरव्यू, ताज़ा तरीन मालूमात, सनसनी खेज, इंकशाफात और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो इस तरह हम वीडियो के नीचे किस तरह एक न्यूज़ स्टिकर चला सकते हैं आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने जाना सेटिंग में, विंडो 10 की सेटिंग में, ऑल सेटिंग। उसके बाद आप लोग चले जाएं टाइम एंड लैंग्वेज में। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे पाकिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद ये उर्दू लैंग्वेज हमारे पास आ चुकी है। इसे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चूज लैंग्वेज फीचर्स यू वांट टू इंस्टॉल, तो ये कुछ फीचर है जो लोड कर रहा है। तो ये और हो चुका है आई थिंक। उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो ये उर्दू लैंग्वेज हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई उर्दू लैंग्वेज की। तब तक चलते हैं हम कैमटेशिया की तरफ। सबसे पहले कैमटेशिया ओपन करें। चलें कैमटेशिया हमारे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है एनोटेशंस में, और यहाँ से आप लोग ये एक नीचे एक पट्टी सी बना लें जिसके ऊपर आप लोगों ने न्यू स्टिकर चलाना है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से रेड कलर कर लें या ब्लू कलर कर लें, तो मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग न्यू स्टिकर चलाएंगे। तो ये अभी हमारे पास लैंग्वेज इंस्टॉल हो रही है, अभी इंस्टॉल नहीं हुई। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जाना ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड्स, ये ऐड अ कीबोर्ड पे क्लिक करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, उर्दू पाकिस्तान, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उर्दू पाकिस्तान। ये सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग रिमूव कर सकते हैं उर्दू वाला। तो उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है कैमटेशिया में। कैमटेशिया में आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा सर। उसके बाद आप लोगों ने जाना है अगेन, आप लोगों ने ये वाला सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद इसमें टाइप करेंगे कुछ, कंप्लीट कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए, इसके बाद आप लोगों ने जाना नीचे, यहाँ पे इंग्लिश हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप लोगों ने उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इधर आ जाना आप लोगों ने, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सॉरी, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, इतना काफ़ी है। तो ये मेरे गलत लिखा गया अगेन, ठीक कर लेते हैं हम लोग। ओके हो गया। इसके बाद आप लोगों ने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, ये कंट्रोल प्लस ए टाइप किया, प्रेस किया। उसके बाद आप लोगों ने जाना है ये फाउंट में, ये एरियल शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने फाउंट सेलेक्ट करना है। नीचे आ जाएं, जी देखें ये वाला जमील नूरी, ये वाला आप लोगों ने सेलेक्ट करना फाउंट। ये देखें, ये हमारे पास चेंज हो चुका है। तो इसे, इसके फाउंट थोड़े से हम लोग बड़े कर लेते हैं। ये देखें, ये बड़ा हो चुका है, तो इसे ब्लैक कर लेते हैं। ये ब्लैक हो चुका है हमारे पास। तो इसके बाद इसे फिट कर लें। चलें, ये हमारे पास फिट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है, ये ए लिखा हुआ है एनोटेशन प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे आप लोगों ने ये कैपेसिटी है जो, ये ज़ीरो कर देनी है। ये कैपेसिटी हमारे पास ज़ीरो हो गई है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इस टेक्स्ट को न्यूज़ स्टिकर की तरह नीचे चलाएँगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसे इसके बराबर कर लें, यहाँ तक आप लोगों ने चलाना है। तो इसके बाद आप लोगों ने जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है एनिमेशन, ये जूम इन पैन नज़र आ रहा है, तो साथ इसके एनिमेशन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट एरो की से इसे ऐसे आगे ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट अब नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों ने यहाँ पे आके छोड़ देना है इसे। उसके बाद आप लोगों ने जाना है कस्टम पे, और इसे जो आप लोगों ने टेक्स्ट वाला सेलेक्ट किया फील्ड एनोटेशन, यहाँ पे लाके आप लोगों ने छोड़ देना है। इसके बाद आप लोगों ने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना और राइट एरो की से बैक ले जाना दूसरी तरफ, राइट साइड पे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो गया। तो उसके बाद आप लोगों ने ये
सेलेक्ट कर लेना कस्टम वाला जो आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किया है, इसको आप लोगों ने ऐसे उठा के खींच के इसे इसके साथ कंप्लीट अटैच कर देना। इसके बाद आप लोग देखेंगे आप प्ले करें तो ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे पास रेडी हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास ऊपर वाइट वाइट थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो इसे हम ख़त्म करने के लिए ये थिकनेस है जो ज़ीरो पे ले जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो ये ब्लैक का टेक्स्ट हमारा, तो हम इसे वाइट करेंगे टेक्स्ट को, ये पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट को आप वाइट कर दें। अगेन चेक करें, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वाइट हो चुका है। ओके, उसके बाद आप लोग इसे निकालेंगे कैसे, शेयर पे क्लिक करना। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप न्यू कस्टम प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लें MP4 स्मार्ट प्लेयर, नेक्स्ट, और उसके बाद आप लोग ये साइज जो भी रखना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर लें। मैंने 10 cm विड्थ 1920 सेलेक्ट किया एंड हाइट 1020 सेलेक्ट किया, और वीडियो सेटिंग आप लोग देख सकते हैं ये वाली मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट अगेन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसका नेम क्या रखने वाले, तो मैं यहाँ पे इसे नेम दे देता हूँ न्यू स्टिकर का। यहाँ पे जाना आप लोग नीचे, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, अगेन यहाँ पे टाइप करेंगे न्यू स्टिकर, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना आप लोगों ने। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो गई है। ओके गाइज, ये हमारे पास वीडियो रेंडर हो चुकी है और हम लोग इसे चेक करते हैं। तो हमने इसे नाम दिया था न्यू स्टिकर का, तो न्यू स्टिकर ये देखें, ये न्यू स्टिकर, ये वीडियो हमारे पास, तो आप लोग ये देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास चल रहा है। तो इसकी स्पीड भी हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये आस्था से चला और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है इसकी। तो ये स्पीड कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट हम लोगों ने चलाया, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऐड क्लिप स्पीड करनी और यहाँ पे आ जाएं नीचे प्रॉपर्टीज में, ये वाला सेलेक्ट करना है, विजुअल प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोग स्पीड इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसकी स्पीड रख देता हूँ 0.30x, ओके। तो ये हमारे पास 41 सेकंड के हिसाब से ये स्पीड इसकी हो गई है स्लो। तो नीचे वाला भी आप लोग खींच
खींच के इसके बराबर कर लें। ओके तो अगेन इसे हम लोग चलाते हैं, प्ले करते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके स्पीड कितनी स्लो हो चुकी है। तो ऐसे ही आप लोग इसे ऐड क्लिप स्पीड लगा के इसकी स्पीड या स्पीड जो है इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये कितने आराम से चल रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तेज़ी तेज़ी से अब नहीं चल रहा। इसके बाद बाकी वही प्रोसेस है, इसे यहाँ से रेंडर कैसे कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करना और ऐसे आप लोग इसे रेंडर कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप लोग इसे 1080 पिक्सल रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके। तो ये देख सकते हैं 1080 पिक्सल वीडियो है, ये 720 है। अब मुख्तलिफ फ्रेम आप लोग जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपकी उस हिसाब से और उस क्वालिटी की वीडियो आप लोगों की आप रेंडर कर सकेंगे। तो मैं 1080 पिक्सल ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर HD क्वालिटी की होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।